नमस्कार दोस्तों, मैं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ इमरजेंसी या टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में। अब ये कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता लगाएं कि लेवल ऑफ इमरजेंसी क्या होती है, और वो उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी हम बात करेंगे कि एक प्लांट के अंदर, मात्र किसी भी एक प्लांट के अंदर फायर होती है तो उसको कैसे पता लगाए कि कौन सी फायर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो OISD ने एक गाइडलाइन दी है, ऑयल इंडस्ट्री और सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने, और केमिकल प्लांट्स हैं और गैस ऑयल एंड गैस प्लांट जितने भी होते हैं, और लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि अदर छोटी कंपनियों में मैंने काम नहीं किया है, ऑटोमोबाइल्स में ही किया है, वहाँ पे भी ऐसे लेवल्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी अपना एक अलग से सायरन बनाती है और वो सायरन जो है पूरी कंपनी को सुनाई देता है, और उसका टेस्टिंग भी डेली किया जाता है। कुछ लोग तो शिफ्ट छोड़ते टाइम और इन टाइम और दोपहर के टाइम पे करते हैं, और वही सायरन फिर इमरजेंसी के दौरान बजा करके वहाँ के एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं कंपनी की चारदीवारी के अंदर, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको इमरजेंसी के दौरान ये बताया जाता है कि आग लगी है या कोई और इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी तो किस तरह की है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, छोटी इमरजेंसी है तो किस चीज़ को नुकसान हो सकता है, बड़ी है तो किस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है, और सबसे बड़ी तो किस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो लेवल ऑफ इमरजेंसी है और टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, ये उसके बारे में बताती है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान सभी लोगों को पता लग जाए सायरन के माध्यम से, किसी भी सायरन या अलार्म के माध्यम से पता लग जाए कि प्लांट के अंदर इमरजेंसी हुई, और वो अपने एरिया को, अपने वर्क प्लेस को छोड़ करके वहाँ से इवैक्यूएट हो जाए, वहाँ से एरिया को खाली कर दे और एक सेफ जोन में जा करके असेंबली पॉइंट पर खड़े हो जाए। तो उसके लिए लेवल बनाए गए हैं ताकि सभी लोगों को पता रहे, सभी यूनिट को, एक कंपनी के अंदर जितनी भी यूनिट बनी है अलग अलग, सभी को पता लगे कि कंपनी में कोई तो इमरजेंसी हुई है और उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहे। जैसे भी ये इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले फायर कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो क्या करता है, फिर जितनी भी बड़ी बड़ी जो भी प्लांट, अलग अलग प्लांट के जो यूनिट होती है, उनको एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है कि इस यूनिट में इस तरह की इमरजेंसी हुई है। फिर वो क्या करता है, वो प्लांट का जो इंचार्ज है या उस यूनिट का जो इंचार्ज है, फिर वो अपने एम्प्लॉई को बताता है कि इस तरह की इमरजेंसी हुई है, आप इस तरह की सुरक्षा गाइडलाइन को अपनाइए। हर कंपनी की अलग अलग सुरक्षा गाइडलाइन होती, सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही गाइडलाइंस दिया गया है कि जो भी अपने स्थान पर काम कर रहे हैं, अपनी जो मशीन चालू है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको वहीं पर रोक करके आप उस स्थान से एग्जिट हो जाइए, इवैक्यूएट हो जाइए और एक सुरक्षित स्थान पे पहुँचे। और सुरक्षित स्थान किसको बोलते हैं हम, एक असेंबली पॉइंट होता है हर जोन का, हर यूनिट का, आपको वहाँ पे जा कर के खड़ा हो जाना है। तो ये लेवल ऑफ इमरजेंसी है, उसी के लिए बनाया गया है, लोगों और वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए। तो इमरजेंसी और लेवल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो लेवल ऑफ इमरजेंसी, कुछ प्लांटों में इसको लेवल ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है तो कुछ लोग टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली तीन प्रकार होते हैं, तीन लेवल होते हैं इमरजेंसी के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और अब क्या हुआ है, कुछ प्लांटों में ये दो लेवल मात्र रखे गए हैं, लेवल 3 को हटा दिया गया है। अब वो हटाया है तो कैसे हटाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल है, लेवल 1 है, इसको ख़त्म कर दिया गया है।
इसके स्थान पे हटके ये आ गया है, ये यहाँ पे जो लेवल टू था वो लेवल वन हो गया है और जो लेवल थ्री था वो लेवल टू हो गया है। ठीक है, ये थ्री था वो टू की जगह पे चला गया, टू वन की जगह पे चला गया है। तो अभी लेवल दो ही कंसीडर किए जाते हैं और वो कहाँ पे किया जाते हैं, जहाँ पे ई आर डी एम पी, ई आर डी एम पी फॉलो करता है, ये ओसास का सेफ्टी गाइडलाइंस है, ओ एस डी की सेफ्टी गाइडलाइंस है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये पहले क्या था, ये खाली फायर की एमरजेंसी को देखता था, बट अभी इसमें ये चीज नहीं ऐड की गई है, ये डी वाला, पहले एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट प्लान था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, अभी ई आर डी एम पी कर दिया गया, एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। यानी अगर कोई भी भूकंप आपदा आती है तो आपको उसमें भी इन्वॉल्व होना है, खाली फायर एमरजेंसी को ही नहीं देखोगे आप। ठीक है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है उसने क्या किया है, लेवल थ्री को हटा करके अभी लेवल टू कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लेवल थ्री को लेवल वन कर, सॉरी टू को वन कर दिया, थ्री को टू कर दिया गया है। और अगर बेसिकली बिल्कुल ही जीरो से, बेसिक से स्टार्ट करूँ तो लेवल चार होते हैं जिसमें स्मॉल फायर होती है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और आग थोड़ा स्पार होकर के वो अपने यहाँ पे बुझ गई, किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बड़ी फायर होती है, उससे थोड़ी बड़ी, इससे थोड़ी बड़ी। अब इनका सबका एक, जैसे ये लेवल वन है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह से सायरन जब बजाया जाता है, कितनी मिनट होती है, कितनी सेकंड होती है, किस तरह से लोगों को बताया जाता है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं है। लेवल वन के बारे में अलग से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और लेवल टू के बारे में अलग बताऊंगा, थ्री के बारे में अलग बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई आपसे पूछता है कि लेवल एमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, तो आप पहले तीन प्रकार की बताएंगे, लेवल वन टू और थ्री। अब उसके बाद आप बोलेंगे कि अभी सामने वाला बोलता है कि लेवल टू है, वो तो बोलेंगे लेवल दो ही है, थ्री कहाँ से आ गया। फिर आपको बताना है कि जो टू था वो वन हो गया और जो थ्री था वो टू हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।